हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 6 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए और अंत में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आज का जो वीडियो है वो इसलिए खास है क्योंकि आज हमारा 100वां वीडियो है करंट अफेयर का। अब तक हमने 99 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। आज हम 100वां एपिसोड, जो 100वां वीडियो है वो करंट अफेयर का अपलोड कर रहे हैं। तो ये आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है, खास उपलब्धि है कि हमने 100 वीडियो करंट अफेयर के बना लिए हैं। तो हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, टारगेट है तो मुमकिन है। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो परिवार पहचान पत्र आज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, परिवार पहचान पत्र किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। परिवार पहचान पत्र है वो हरियाणा में शुरू किया गया है। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी खट्टर, इन्होंने लॉन्च किया है परिवार पहचान पत्र। अब ये परिवार पहचान पत्र जो है ये इनिशिएटिव तो है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, डेवलप किया गया है CMO चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक इफेक्टिव और इफ़िशियंट तरीके से पहुंचाया जा सके। हरियाणा की बात करते हैं तो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या, कैपिटल है चंडीगढ़। और बात करें दोस्तों तो जो मनोहर लाल जी खट्टर हैं CM और डिप्टी CM हैं दुष्यंत चौटाला जी, इन्होंने हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी लॉन्च की थी, जो कि हमने इसी चैनल पे डिस्कस किया था। उसके तहत 6,000 रुपये हर फैमिली जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको दिए जाएंगे। और अभी कल ही हाल ही में हरियाणा के जो लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज और होम मिनिस्टर है अनिल विज, इन्होंने वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम को भी लॉन्च किया है। अब ये वर्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक वेब बेस्ड पेपरलेस और सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है। ये क्या है? वेब पोर्टल है, जिसके तहत अर्बन लोकल बॉडीज ने जो जो डेवलपमेंट किए हैं उसके मैनेजमेंट और मॉनिटर के लिए स्टार्ट किया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन है, ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन एजुकेशन वाज डेवलप्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच UT। तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस UT के प्रशासन द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं दादर, नागर हवेली, दमन एंड द्वीप, सेकंड चंडीगढ़, थर्ड जम्मू एंड कश्मीर, फोर्थ दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मोबाइल मित्र ऐप है वो दादर, नागर हवेली एंड दमन द्वीप ने स्टार्ट किया है, विकसित किया है। तो एजुकेशन डेवलपमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट है दमन एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने डेवलप किया है ई ज्ञान मित्रा, जो कि डेवलप किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप के द्वारा। ये जो है ये सपोर्ट करेगा स्टूडेंट्स को ताकि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके, ऑनलाइन एजुकेशन हो सके। दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल, कैपिटल है दमन। UV बैगेज बाथ वॉज इनोग्रेटेड रिसेंटली एट विच रेलवे स्टेशन? तो UV बैगेज बाथ का उद्घाटन हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर किया गया? जयपुर रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, बेंगलोर रेलवे स्टेशन, कर्नाटका रेलवे स्टेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर इसका उद्घाटन है वो किया गया है। तो एक यूनिक कियोस्क है ये UV बैगेज बाथ, ये इनोग्रेट किया गया है बेंगलोर रेलवे स्टेशन, साउथ वेस्टर्न रेलवे बाय सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर हैं और बेंगलुरु डिवीज़न के AN कृष्णा रेड्डी, और एडिशनल डिवीज़न रेलवे मैनेजर हैं बेंगलुरु डिवीज़न के ही कल्याणी सेतुरामन। तो AN कृष्णन रेड्डी जो कि सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर हैं बेंगलुरु डिवीज़न के, और
कल्याणी सथुरमन जो कि एडिशनल डिवीजन है रेलवे मैनेजर के, उन्होंने इसको जो है इनॉग्रेट किया है और लगाया कहाँ पे गया है, ये बेंगलोर रेलवे स्टेशन के ऊपर। और अब ये क्या चीज़ है यूवी बैगेज बात, तो ये क्या है, जो भी बैगेज होंगे यात्रियों के पास, रेलवे यात्रियों के पास जो भी बैगेज होंगे, तो उसको जो है ये डिसइनफेक्ट कर देगा जो भी वायरस या बैक्टीरिया हैं, ताकि बैगेज पे भी जो चिपके हुए रहते हैं, ताकि उसको COVID-19 से भी मुक्त किया जा सके। ये है फोटो किसकी, यूवी बैगेज बात की। इसमें क्या होगा, एक तरफ से तो बैग डाला जाएगा और फिर अंदर जो है यूवी की बात करें तो यूवी क्या है, अल्ट्रा वायलेट, जो अंदर जो है अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेगी, तो वो रेज जो भी बैग के ऊपर बैक्टीरिया या कोरोना वायरस या कोई भी अदर तरीके का वायरस है उनको पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। तो बैग को जो है वो वायरस फ्री किया जा सकेगा, ताकि वायरस जो है वो बैग से आदमियों ह्यूमन में नहीं आए। तो एनक्लोज्ड चैम्बर अभी जैसे हमने डायग्राम में देखा पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बंद है, जो कि पैसेंजर लगेज को जो उसमें से गुजारा जाएगा, और फिर गुजारने के बाद में जो अल्ट्रा वायलेट रे होगी वो वायरस हो या बैक्टीरिया और अदर जेम्स हो उनको सबको क्लीन मार देगी, तो बैग को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया जाएगा। साउथर्न वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो हेडक्वार्टर है रेल साउदा गडाग रोड हुबली कर्नाटका, डिवीजन है हुबली मैसूर एंड बेंगलोर। ए हेल्थ असिस्टेंट रोबोट रक्षक डिजाइंड बाय, तो एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक किसके द्वारा डिजाइन किया गया, पुणे डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे, सोलापुर डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे, मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे, नाहपुर डिवीजन, ये यहाँ पे नागपुर आएगा, नागपुर डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवेज। तो इसका जो सही आंसर है वो मुंबई डिवीजन है सेंट्रल रेलवेज की, उन्होंने ये रक्षक जो है वो बनाया है, तो मुंबई डिवीजन है सेंट्रल रेलवेज की, उन्होंने डिजाइन किया है रक्षक जो कि कम्युनिकेशन करेगा डॉक्टर और पेशेंट को। देखिए डॉक्टर्स जो है वो कोरोना वायरस के पेशेंट से संपर्क में आके वो भी संक्रमित हो जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये रोबोट बनाया गया, ताकि रोबोट जो है वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा। ये रोबोट जो है ये डेवलप किया गया है EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कार शेड सुनील बेरवाजी द्वारा, जो कि सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और उनकी टीम है कहाँ पे, कुरला में, जो कि मुंबई सेक्शन है सेंट्रल रेलवे का। तो हमें जो याद रखना है वो रक्षक किसने बनाया, मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवेज। ये जो रोबोट है ये किसके हैंडओवर कर दिया गया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल में, ये वहाँ पर ये लगाया गया, उनको ये हैंडओवर कर दिया गया है। ये फोटो है रक्षक रोबोट की, जो कि कम्युनिकेशन करेगा बिटवीन डॉक्टर्स एंड कोरोना वायरस से जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उनके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक, तो MD और CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं HDFC बैंक के लिए, शशिधर जगदीशन, आदित्यपुरी, दीपक एस पारेख, सुमित बोस। तो इसका जो सही आंसर है वो है शशिधर जगदीशन को जो है नया MD और CEO बनाया गया है, रिटायर हो रहे हैं आदित्यपुरी, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा शशिधर जगदीशन। तो RBI ने ये अप्रूव कर दिया है, अप्रूव दे दिया कि शशिधर जगदीशन जो होंगे वो नेक्स्ट MD और CEO होंगे आगामी 3 साल के लिए। और ये कब से लागू होगा, ये लागू होगा अक्टूबर 27, 2020 से, और अंडर सेक्शन 35B बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। इन्होंने जो सक्सीड किया है, यानी पीछे जो छोड़ा है वो आदित्यपुरी हैं, ये क्या है रिटायर हो रहे हैं, ये रिटायर हो रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग CEO है, जो जिन्होंने लगभग 26 ईयर तक HDFC बैंक के वो CEO रह चुके हैं, जो कि 1994 से स्टार्ट हुआ था, अभी 70 साल के हो चुके हैं, इसलिए इन्होंने रिटायर ले लिया है, रिटायर कर दिया गया है। तो ये 26 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, और 27 अक्टूबर को कौन ज्वाइन कर लेंगे, शशिधर जगदीशन। ये फोटो है शशिधर जी की, जो कि नए MD एंड CEO बने हैं।
एचडीएफसी बैंक के हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है दीपक एस पारेक, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो दोस्तों ये हमारा टाइम स्केड्यूल है, टारगेट एजुकेशन क्लासेस पे 8:30 पे डेली करंट अफेयर्स आते हैं, 10:30 पे रीजनिंग आती है, 11:15 पे हिंदी है और 8 PM यानी रात को 3 दिन तो साइंस और 3 दिन राजस्थान जीके। तो आप हमारे चैनल का ये टाइम टेबल याद कर लीजिए और डेली वीडियोस देखा करें, हर दिन नए नए टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल वेबिनार ऑन द थीम लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत के विषय में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने वाले संगठन का नाम बताना है हमें। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, IIT दिल्ली, IIM दिल्ली, साहित्य अकेडमी। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इन्होंने ये लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने इनॉग्रेट किया था, 2 दिन का जो ये इंटरनेशनल सेमिनार होने वाला था हो चुका है। ये ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR। ये जो अभी 100 डेथ एनिवर्सरी थी, 100वीं मृत्यु एनिवर्सरी थी किनकी, ग्रेट फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 1 अगस्त 2020 को, तो उन्हीं के ये 100वां डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए ये 2 दिन का वेबिनार आयोजन किया गया था। 7th क्वेश्चन है, रिमोट पेशेंट्स मॉनिटरिंग डिवाइस फॉर COVID-19 डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो COVID-19 के लिए दूरस्थ रोगी निगरानी उपकरण किस संगठन द्वारा विकसित किया गया। IIT मद्रास, हेलोजन हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, IIT दिल्ली, बोथ 1 और 2। तो इसका जो सही आंसर है वो 4th आंसर सही है, IIT मद्रास और हेलोक्सन हेल्थ केयर जो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने ये इसको बनाया है। तो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर है IIT मद्रास में और इन्होंने पार्टनरशिप किए किन के साथ, हेलोक्सन हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो कि स्टार्टअप कंपनी है IIT मद्रास के अंदर ही। इन्होंने जो है इस ये रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस बनाया है। अब ये रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस क्या है, तो ये है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस। इसमें क्या होगा, ये हाथ पे ये डिवाइस लगा दी जाएगी और ये कनेक्ट होगी या तो मोबाइल से या फिर किसी हॉस्पिटल से सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से, जो कि टेम्परेचर बॉडी का और सेचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन लेवल, ये सब जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कोरोना वायरस के जो भी लक्षण है वो तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे, ताकि जिससे कोरोना वायरस ज़्यादा नहीं फैले। अभी हाल ही में इस चैनल पे हमने डिस्कस किया था कि TVS ग्रुप और IIT मद्रास ने एक ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डेवलप किया था, सुंदरम वेंटेगो, जो कि यूजफुल था रिमोट और रूरल एरियाज में जहाँ पे वेंटिलेटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो ये सुंदरम वेंटेगो भी हमें याद रखना है। IIT मद्रास के जो डायरेक्टर हैं भास्कर रामामूर्ति, इनोग्रेटेड हुआ है 1959 में। 8th क्वेश्चन है, कुमारी कविता देवी हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच सपोर्ट। कुमारी कविता देवी जो हाल ही में खबरों में किस खेल से जुड़ी है, किस स्पोर्ट्स से जुड़ी है, तो हॉकी, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट। तो जो सही आंसर है वो कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, कबड्डी से जुड़ी हुई है। तो ये खबर में क्यों है हाल ही में, तो ओलंपिक रेसलर है बबीता फोगाट और कबड्डी प्लेयर हैं कुमारी कविता देवी। इनको अपॉइंट किया गया है डिप्टी डायरेक्टर इन हरियाणा, हरियाणा में डिप्टी डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है, इसलिए ये खबरों में है। कुमारी कविता देवी जी को आज तक कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं मिली थी खेल कोटा के अंतर्गत, लेकिन अब इनको अपॉइंट किया गया है तो ये इसलिए खबरों में है। जबकि बबीता फोगाट जो है वो पहले हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर रह चुकी है अंडर स्पोर्ट कोटा। 9th क्वेश्चन है, मार्क फिलिप्स स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है,
वेनेजुएला, गुयाना, ब्राजील, सूरीनेम। तो सही आंसर है गुयाना। कल हमने डिस्कस किया कि जो मोहम्मद इरफान अली हैं वो किस देश के राष्ट्रपति बने थे, गुयाना के। आज हम डिस्कस करें प्रधानमंत्री के बारे में। तो फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ गुयाना डिफेंस फोर्स ब्रिगेडियर, जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, मार्क एंथोनी फिलिप्स, इन्होंने शपथ ली है किसके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना के रूप में। और फॉर्मर प्रेसिडेंट है भारत जगदेव, इन्होंने शपथ लिए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के रूप में। गुयाना ऑफिशियली नेम है इसका कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना। प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली। कैपिटल है जॉर्ज टाउन। करेंसी है गुयानीज डॉलर। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ये मैप है गुयाना का, जिसके एक तरफ वेनेजुएला है, ब्राजील है, सूरीनेम है, और ये है गुयाना, एक तरफ है अटलांटिक ओशिया। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी हमने डिस्कस कर लिया है। कल हमने क्वेश्चन पूछा था ग्रेट प्रोफेट 14 इज द मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री। तो ग्रेट पैगंबर 14 किस देश के द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास है, ईरान, इराक, यूएई, इजिप्ट। इसका सही आंसर था वो था ईरान के द्वारा था ये। आज का जो क्वेश्चन है साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम ई रक्षाबंधन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आप भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहिए, करंट अफेयर के नोट्स बनाइए, सुंदर नोट्स बनाइए। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए कि नोट्स कैसे बनाएं, तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको बाकायदा गाइड करेंगे कि सुंदर नोट्स कैसे बनाए जाए करंट अफेयर्स के, ताकि एक बार में चीज़ें रिवाइज याद हो जाएं और उनको फिर डेली रिवाइज करते रहें तो हमें वो याद हो जाती है। हर एग्ज़ाम में 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता है, इसलिए हमें नोट्स बनाने बेहद ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हमें तैयारी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोई भी वीकनेस है उसको दूर कीजिए, ताकि पहला कोई एग्ज़ाम हो तो वही हम करेक्ट कर सकें। तो इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।